प्रतिभा की प्रतिभा का कमाल। सुल्तानपुर में प्रतिभा ने रचा इतिहास, सिविल सर्विस में किया टॉप। सुल्तानपुर की माटी ने आज तक देश को एक से बढ़कर एक नवरत्न दिए हैं। उन्हीं नवरत्न में एक हैं प्रतिभा वर्मा। सुल्तानपुर जिले के बगराज मोहल्ले में रहने वाली प्रतिभा वर्मा ने सिविल सर्विस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। और अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें प्रतिभा का नाम सबसे ऊपर है। तो हम लोगों को जैसे ही रिजल्ट पता लगा, पहले तो हम लोग एकदम शॉक हो गए। पिछले साल उनका आईएएस में चयन हुआ था, 489 रैंक थी। उसके बाद उन्होंने फिर से तैयारी में लग गई, उसको ज्वाइन कर लिया था इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नागपुर में। लेकिन वो ज्वाइन करके फिर लेट लेके चली आई तैयारी करने के लिए। तो आज जैसे ही रिजल्ट की खबर हम लोगों को उन लोगों से पता चला, बड़ी वाली बिटिया डॉक्टर साहब के फ़ोन आया, तो मुझे तो एकदम विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं आपसे क्या बताऊँ। उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। सुल्तानपुर के बगराजपुर मोहल्ले में रहने वाली प्रतिभा वर्मा एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखती हैं। प्रतिभा के माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं। उन्होंने आज तक ना जाने कितने ही बच्चों के भविष्य को संवारा है, और जब उनकी बेटी प्रतिभा की बारी आई तो मानो ईश्वर ने खुद उनका साथ दिया। प्रतिभा ने अपने नाम का परचम पूरे देश में लहरा दिया। बेटी की इस कामयाबी से माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं। मैंने आईएएस में टॉप किया, मुझे बहुत ही गर्व है, बहुत ही खुशी है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और हर बच्चे को मैं अपनी तरफ से, ये पढ़ने वाले बच्चे को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से परिश्रम करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैंने अपनी बिटिया को हमेशा से यही सिखाया कि बेटा, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे बच्चों ने, मेरे चार बच्चे हैं। वहीं अगर प्रतिभा के पिता सुभाष वर्मा की माने तो बेटी ने प्रारंभिक पढ़ाई सुल्तानपुर के एक प्राइवेट स्कूल से की, लेकिन हाई स्कूल में जब प्रतिभा ने उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया तभी से उन्हें ये एहसास हो गया कि उनकी लाडली बेटी एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगी। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और मैं शुरुआत से ही जब उसको देखता था, जितना लगन से पढ़ती थी, उसको देखने पर ही उसको लगता था कि ये किसी न किसी दिन नाम रोशन करेगी। और मैंने उसको तुरंत से ये प्रेरणा दिया कि तुमको आईएएस बनना है। हाई स्कूल जब उसने टॉप किया तो लोग आशीर्वाद भी देने आए तो यही कहते थे कि तुमको आईएएस बनना है। और मैंने ही उसको काफ़ी प्रेरित किया लगन से पढ़ने के लिए, और वह मेरे सपने को पूरा कर दिया। आज मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ। मेरी जो इच्छा मैंने किया था वह इच्छा मेरी पूरी। प्रतिभा वर्मा ने आज न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्रतिभा जैसे छात्र हमारे देश की धरोहर है। न्यूज टाइम नेशन की पूरी टीम प्रतिभा वर्मा की कामयाबी को सलाम करती है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए नफीस खान के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।